एक बार एक जंगल में खरगोश का परिवार रहता था। वह जंगल में खाते पीते और मस्ती करते। वहीं उस जंगल के रास्ते से जंगली जानवरों का झुंड गुजरता था। जब भी जंगली जानवर का झुंड वहां से गुजरता, सभी खरगोश डर के मारे इधर उधर भाग लेते थे और अपनी अपनी बिल में जाकर छिप जाते थे। अरे, इन सब जानवरों की मारे हमारी जिंदगी नरक बन गई है। ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि हम मर ही जाएं। यहाँ रहने से अच्छा है कि हम नदी में कूदकर अपनी जान दे दें, नहीं तो ये जंगली जानवर हमको मारकर दबा देंगे। सभी खरगोश का झुंड मरने के लिए नदी के किनारे जाता है। वहीं नदी के किनारे चूहे रह रहे होते हैं। खरगोश को आता देख सभी चूहे डर के मारे नदी में कूदने लग जाते हैं और मर जाते हैं। यह सब देखकर खरगोश सोचने लग जाते हैं कि यहाँ पर तो हर कोई जानवर किसी न किसी से डरता है। खरगोश को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें देखकर भी किसी को दहशत हो सकती है। अब तक तो वह खरगोश खुद को ही कमजोर प्राणी मानते थे और भगवान को दोष देते थे। खरगोश को यकीन हो गया था कि भगवान ने हर किसी को अलग अलग खासियत से बनाया है, जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। किसी में कमी है तो उसमें कुछ गुण भी हैं। हर किसी को एक जैसा गुण नहीं होता है। यह सब सोचने के बाद खरगोश और उसका परिवार घर वापस चला जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी कमजोरी से भागने की बजाय इसको अपनी ताकत बनानी चाहिए। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद।